सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार एसएससी सीजीएल तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का जो परिणाम बच्चों अभी तक घोषित नहीं हुआ है, आखिर वो रीज़न क्या है, ठीक है, तो अभी देखिए। आप सभी को मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा और थोड़ी बैड न्यूज़ भी कह सकते हैं भाई। दो महीने से जो छात्र छात्राएं अभी रिजल्ट के प्रतीक्षा में हैं, रिजल्ट जारी ना होने के ना दो कारण आपको एक मैं बताऊँगा। सबसे पहला कारण ये है कि भाई बिहार में ना सिस्टम से काम नहीं चलता सिस्टमेटिक वे में। अब एक बात बताए, वो अगर स्टाफ में किसी आदमी का कमी, शिक्षक का कमी, अध्यापिका का कमी, अध्यापक का कमी है, तो वो आपको पहले चीज़ें में पहले आपको उस चीज़ के बारे में एक सूची बनाना चाहिए। अब आप तब कह रहे हैं जब अभ्यर्थियों के रिजल्ट या अभ्यर्थियों की परीक्षाएं जो संपन्न हो गई हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि विवाह हो चुका है, मतलब लड़की देखने चले गए शादी, मतलब अब लड़की का हाथ पकड़ लिया, अब हाथ मतलब रिश्ता हो चुका है कुल मिला के कहने का। अब बाद में मुकर रहा है कि नहीं यार मुझे शादी नहीं करनी। अरे तो देखिए, आपको जो भी आपको करना है आप पहले कीजिए ना यार। अब रिजल्ट आने की बात हो रही है और अंदर ये चल रहा है कि लेन देन चल रहा है कि कितना कितने में सीट जाएगा कितने में नहीं जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कुछ होने वाला है भर्तियों के अंदर, घोटाले कह सकते हैं, जो कोई पारदर्शिता नहीं है इसके अंदर। कोई रिजल्ट आपका आना चाहिए और लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब देख लेना, ज़्यादा नहीं तो 400-300 बच्चा ही जाएगा, बाकी का सीट सब बिक जाएगा 20-25 लाख में आराम से। तो ऐसा चलता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यार, कि इतना दिन हो गया रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है, कोई नोटिस नहीं है, कोई वो नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ पिछले वीडियो में भी। तो देखो अब क्या होता है, बाकी तो ऊपर वाला इनका वो है जो भी, ठीक है, तो बस बाकी आप वेट करते रहिए यार और